एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में साइक्लोन और जो हमने टॉर्नेडो स्टार्ट करा था और हमने देखा था कि कैसे साइक्लोन की फॉर्मेशन होती है, सो आई होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हो तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। और इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी हिट करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे चैनल की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज हम उसके आगे करेंगे कि कैसे टॉर्नेडोज की फॉर्मेशन होती है, कैसे जो साइक्लोन्स है वो डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं, और क्या टॉर्नेडो शेल्टर्स क्या होते हैं। तो आज हम उन सबके बारे में जानेंगे और हम हरिकेन्स के बारे में भी जानेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आएगा कि डिस्ट्रक्शन कॉज बाय साइक्लोन्स। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में साइक्लोन की फॉर्मेशन देखी थी कि कैसे वो फॉर्म होता है, कैसे लो प्रेशर उसमें होता है, वेयर आर जो स्पीड विंड की स्पीड होती है बहुत हाई होती है। तो आज हम उसकी डिस्ट्रक्शन देखेंगे। तो उसमें है क्या, द साइक्लोन्स कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स पुश वाटर टुवर्ड्स द शोर इवन इफ द स्टॉर्म इज हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे। दीज आर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ एन अप्रोचिंग साइक्लोन एंड द वॉटर वेव्स प्रोड्यूस बाय द विंड्स आर सो पावरफुल दैट अ पर्सन कैन नॉट ओवरकम देम। द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट वाटर सर्फेस इन द सेंटर एंड द राइजिंग वाटर मे बी हाई एज 3 to 12 meters। फॉर्मेशन ऑफ अ साइक्लोन एंड इट अपियर्स लाइक अ वॉटर वॉल मूविंग टूवर्ड्स द शोर। एज अ रिजल्ट द सी वॉटर एंटर द लो लाइन कोस्टल एरियाज कॉजिंग सीवियर लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड इट ऑल्सो रिड्यूसिस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। कंटिन्यूस हैवी रेनफॉल मे फर्दर वर्सन द फ्लड सिचुएशन। हाई स्पीड विंड्स अकंपनी अ साइक्लोन कैन डैमेज हाउसेज टेलीफोन्स एंड अदर कम्युनिकेशन सिस्टम्स ट्रीज एक्सेट्रा कॉजिंग ट्रमेंडस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो बेसिकली इसमें बोला क्या गया है कि इसमें बेसिकली बताया क्या गया है कि हमें साइक्लोन की इंडिकेशन कैसे मिल जाती है इवन इट इज हंड्रेड ऑफ किलोमीटर्स अवे। सो बेसिकली जब साइक्लोन्स आने वाले होते हैं और उससे पहले सबसे पहले असर आता है ओशन पे, क्योंकि ओशन की वो वेव्स कोस्टल एरियाज की तरह, मतलब जो वेव्स है एक तरह का वहां पे भी बहुत हाई वेव्स आने लगती है जो 3 to 12 meters हाई होती है, और जो मतलब शोर की तरह मतलब कोस्टल एरियाज की तरफ आ रही होती है। और जैसे ही साइक्लोन आता है वैसे ही जो वाटर है पूरा वो कोस्टल एरियाज में लो लाइन जो उसके कोस्टल एरियाज है वहां पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से सीवियर लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी होती है। और वो क्या करता है, और साइक्लोन जो सॉइल की बेसिकली सॉइल की हमने देखा कि सॉइल की फर्टिलिटी सबसे ज्यादा उसके टॉप सॉइल में होता है, तो बेसिकली जो पानी है वो टॉप सॉइल को उड़ा ले जाता है, जिसकी वजह से जो टॉप सॉइल है उसकी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और इसकी वजह से कभी कभी क्या होता है कि हाउसेज भी डैमेज हो जाते हैं, टेलीफोन कम्युनिकेशन। अगर आपने कभी एक साइक्लोन या कभी न्यूज में भी पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा सबसे पहले उनको इलेक्ट्रिसिटी की बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो वाटर होता है जो विंड होती है वो सारे जो इलेक्ट्रिकल पोल्स होते हैं सबको डैमेज कर देते हैं, और कितने महीनों तक वहां पर लाइट नहीं होती है। तो यही सारी प्रॉपर्टी का सारी कम्युनिकेशन सिस्टम का लॉस होता है, और लॉस ऑफ लाइफ जो बहुत बड़ी चीज होती है उसका भी लॉस होता है। तो इस उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो राइजिंग वाटर होता है उसकी हाइट कितनी होती है, वो है 3 to 12 meters, और क्या क्या वो डिस्ट्रॉय कर देता है। हमने सबसे पहले देखा कि वो लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी करता है, सेकेंड वो टॉप सॉइल को फर्टिलिटी है उसकी रिड्यूस कर देता है, थर्ड वो कम्युनिकेशन सिस्टम को जैसे टेलीफोन इलेक्ट्रिसिटी और वो डिस्ट्रॉय कर देता है, और फोर्थ वो सारे हाउसेस को भी डैमेज कर देता है, ट्रीज को भी डैमेज कर देता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। सो ये चीज बेसिकली याद करने वाली है आपको, जब तक इससे आप इसको खुद से याद नहीं करेंगे तब तक आपको ये आ नहीं सकता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। तो अब ये यहाँ पे इसमें मैंने इमेजेस दिखाई है, तो इसमें बेसिकली ऐसे कोई साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है कि नीचे से वो घूमती 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 ऊपर जाती है और फिर वो ऐसे करके एमिट आउट हो जाती है
एयर ऐसी करके ये कंटिन्यूस सिस्टम चला रहता है इस इमेज में, और जैसे ही जैसे हमने हंड्रेड ऑफ किलोमीटर अवे कोई साइक्लोन होगा तो उससे पहले कुछ ऐसा दिखेगा वाटर का लेवल कि वो वाटर बाहर आने लगेगा धीरे धीरे, और फिर वो कुछ ऐसे करके प्रॉपर्टी को डैमेज करना, लॉस ऑफ लाइफ करना शुरू कर देगा, और जिसकी वजह से बहुत बड़ा डैमेज भी हो सकता है। ठीक है, सो अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हरिकेन। तो हरिकेन बेसिकली कुछ नहीं है, इट इज अनदर नेम ऑफ साइक्लोन। तो इसमें क्या है, साइक्लोन इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज कॉल्ड अ हरिकेन इन द अमेरिकन कॉन्टिनेंट, इन फिलीपींस एंड जापान इट इज कॉल्ड अ टाइफून। तो ये बहुत अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार डबल स्टार मार्क कर दीजिए, डेफिनेटली 100% आपके एग्जाम में आएगा, आपके फिलअप्स में ऐसे पूछा जाएगा कि व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ साइक्लोन, और ऐसे भी नहीं ऐसे पूछा जाएगा कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट में क्या होगा, फिलीपींस और जापान में उसे क्या कहते हैं। तो अमेरिकन कॉन्टिनेंट में मतलब पूरे अमेरिका में उसे हरिकेन कहते हैं, और फिलीपींस एंड जापान में उसे टाइफून का नाम दिया जाता है। ठीक है, सो ये आपका याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, सो अब आगे बढ़ते हैं। सो अब जो आपका नेक्स्ट है टॉर्नेडोस, तो टॉर्नेडोस स्टार्ट करने से पहले आपकी बुक में एक ब्लू बॉक्स है जिसमें टॉर्नेडोस शेल्टर के बारे में दिया है, तो वो बहुत बड़ा पैराग्राफ है और इसलिए आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, तो इसलिए मैंने आपके लिए ये छोटा करके इसमें लिखा है कि व्हाट इज अ टॉर्नेडो शेल्टर। सो बेसिकली टॉर्नेडोस कुछ ऐसे होते हैं, वो बेसिकली ग्राउंड से मतलब एयर से मतलब एटमॉस्फेयर से वो ग्राउंड की तरफ क्लाउड के एकदम ऐसा आता है जिसे हम जिसे टॉर्नेडो को हम हिंदी में बवंडर कहते हैं, तो वो कुछ ऐसे ही विंड का होता है। तो क्या है वो, तो उसके लिए क्या बोलते हैं, बेसिकली टॉर्नेडोस से बचने के लिए वो भी बहुत डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं, इसलिए टॉर्नेडोस को बचने के लिए लोग टॉर्नेडो शेल्टर्स बनाते हैं जिससे वो उनकी लाइफ सेव हो जाती है। तो आइए देखते हैं टॉर्नेडो शेल्टर है क्या। सो टॉर्नेडो शेल्टर इज अ रूम सिचुएटेड डीप इनसाइड और अंडरग्राउंड हैविंग नो विंडोज, व्हेन साइक्लोन और टॉर्नेडो स्ट्राइक्स टेक शेल्टर अंडर टेबल्स, बो डाउन एंड प्रोटेक्ट हेड एंड नेक यूजिंग द आर्म्स। तो एक टॉर्नेडो शेल्टर वो रूम होता है जो अंडरग्राउंड होता है। अंडरग्राउंड क्यों होता है, क्योंकि जो साइक्लोन जो टॉर्नेडोस का इफेक्ट होता है वो अंडरग्राउंड बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए वो अंडरग्राउंड मतलब ऐसे कुछ डीप बनाया जाता है, पर उसका जो आउटलेट है मतलब जो उसका डोर है वो बाहर की तरफ होता है, और उस रूम में कोई विंडो नहीं होती है, क्योंकि अगर विंडो होगी तो हवा से वो भी ब्रेक हो जाएगी, और जिससे वो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा टॉर्नेडो शेल्टर का। ठीक है, सो इसमें बेसिकली आपको ये लाइन याद करनी है, डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछेंगे कि हाउ कैन वी प्रिवेंट, हाउ टू सेव आवर लाइफ फ्रॉम टोर्नेडो, तो उसके लिए टोर्नेडो शेल्टर्स बनाते हैं लोग, तो उसकी डेफिनेशन आपको ये याद करनी जरूरी है। ठीक है, सो आई होप आपको टोर्नेडो शेल्टर भी समझ में आ गया होगा। सो अब सबसे मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, व्हाट आर टोर्नेडोस, कि टोर्नेडोस होते क्या, कैसे इनकी फॉर्मेशन होती है। सो क्या है इसमें, इन आर कंट्री दे आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट, मतलब टॉर्नेडोज हमारी कंट्री में इतने फ्रीक्वेंट नहीं है। अ टॉर्नेडो इज अ डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रीचेस फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड एंड मोस्ट ऑफ द टॉर्नेडोज आर वीक। अ वायलेंट टॉर्नेडो कैन ट्रेवल एट स्पीड ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से यहाँ तक एकदम टॉर्नेडो की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में करा है कि टॉर्नेडोज एक डार्क मतलब एकदम ब्लैक क्लाउड से होता है कि एक डार्क फनल शेप्ड होता है, कुछ ऐसा शेप होता है, फनल शेप कुछ ऐसा होता है। क्लाउड दैट रीचेस फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड, मतलब स्काई से मतलब ये बादलों की वजह से ये फॉर्म होता है, जब वो पर्टिकुलर उनको वो एटमॉस्फेयर कंडीशन मिल जाती है फॉर्म होने की, तब ये फॉर्म होते हैं, जिसकी वजह से ये कुछ ऐसे फॉर्म फनल शेप में होने लगते हैं जो स्काई से ग्राउंड में आते हैं। और ज्यादातर टॉर्नेडोज वीक होते हैं, पर अगर एक टॉर्नेडो स्ट्रॉन्ग है, वायलेंट है, बहुत खतरनाक है, सो वो 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, और एक टॉर्नेडो साइक्लोन के अंदर भी फॉर्म हो सकता है, मतलब जैसे साइक्लोन हमने अभी पीछे पढ़ा कि वाटर्स के उससे आता है हमें पता चलता है, तो एक साइक्लोन के भी अंदर टॉर्नेडो फॉर्म होता है, वही सबसे वायलेंट टॉर्नेडो कहा जाता है। एंड द होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज वल्नरेबल टू साइक्लोन्स, पर्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट and the west coast of the India is less vulnerable to cyclonic storms both in terms of intensity and frequency of the cyclones.
तो बेसिकली जो इसमें क्या बोला गया है, जो ईस्ट कोस्ट की जो इंडिया की ईस्ट कोस्ट की कोस्ट लाइन होती है, तो वहां पे जो साइक्लोन होते हैं ज्यादातर वल्नरेबल होते हैं। तो बेसिकली सबसे ज्यादा वल्नरेबल जो इंडिया की कोस्ट लाइन में होता है वो सबसे ज्यादा ईस्ट कोस्ट में होता है, वेयर एज द वेस्ट कोस्ट में सबसे लेस वल्नरेबल होते हैं टू द साइक्लोनिक स्टॉर्म्स बोथ इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम साइक्लोन्स की देखें तो सबसे ज्यादा वो वल्नरेबल होते हैं ईस्ट कोस्ट में, और वो उससे भी कम वल्नरेबल होते हैं इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में इन द वेस्ट कोस्ट। मतलब ये आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं कि विच इज लेस वल्नरेबल एंड विच इज मोर वल्नरेबल, तो बेसिकली ईस्ट कोस्ट एंड वेस्ट कोस्ट। ठीक है, सो आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी डेफिनेशन दैट व्हाट इज अ टॉर्नेडो, और आपके एग्जाम में साइक्लोन्स और टॉर्नेडोज के में भी डिफरेंस आ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ साइक्लोन एंड टॉर्नेडोज। तो आप एक बार उसको अच्छे से कर लीजिएगा, एक बार अगर कंफ्यूजन हो तो फिर से उसको क्लियर कर लीजिएगा। और एक टॉर्नेडो की स्पीड भी आ सकती है कि 300 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, सो आई होप आपको ये वाला भी समझ में आ गया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का देखेंगे कि कैसे हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, कैसे हम अपने आप को टॉर्नेडो से बचा सकते हैं, हम ये सब देखेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर प्रोबेबली लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर को ओवर करने का। ठीक है, सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी हिट करना मत भूलिएगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आंसर कर दूंगी। और आप एक बार फिर से टॉर्नेडोज का टॉपिक पढ़ लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।